नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर पर काली मिर्च के पौधे को उगाने के तरीके के बारे में। अगर आप एक पौधा भी काली मिर्च का घर पर उगा लेते हैं तो एक साल के लिए एक परिवार को बाहर से काली मिर्च खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक पौधा आपको गीली काली मिर्च जो है वो देता है लगभग 3 किलो। अगर हम उसे सुखा लेते हैं तो वो लगभग 1.5 किलो के करीब रह जाती है। तो 1.5 किलो काली मिर्च एक परिवार के लिए एक साल के लिए बहुत है। तो आप इसे उगा कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र और पांडुचेरी के अंदर सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता है भारत के अंदर। और इनमें से भी टॉप माना जाए तो केरला के अंदर 98% काली मिर्च का उत्पादन होता है। अब इसको कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कैसी जमीन की आवश्यकता होती है, ये समझते हैं। काली मिर्च को तेज धूप की आवश्यकता होती है। काली मिर्च को 10 डिग्री से 40 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता होती है। काली मिर्च के पौधे को चिकनी ब्लुई मिट्टी हो, जिसका पीएच वैल्यू 4.6 से लेकर 6 के बीच में हो, ऐसी मिट्टी चाहिए। और इसी के साथ साथ अच्छी बरसात चाहिए और 60-70% नमी चाहिए। अब हम पूरे भारत का अगर दृश्य देखें तो 10 डिग्री से 40 डिग्री का तापमान तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन नमी जो है 60-70% ये कम मिलती है। तो हम नमी खुद ही तैयार करेंगे। वो कैसे तैयार करनी है उसके बारे में आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, अगर अपने यहां पर पौधा लगाना है तो सबसे पहले तो काली मिर्च की कोई पुरानी बेल है उसकी एक गांठ वाली जो टहनी होती है उसको काट लीजिए और ऐसे पॉलीथीन के अंदर लगा दीजिए। 60-70 दिन बाद आपका पौधा तैयार हो जाएगा। अन्यथा आप लोग किसी भी नर्सरी से पौधा ही खरीद लीजिए काली मिर्च का। 2 पौधे, 3 पौधे, 4 पौधे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसे सीधे पेड़ के साइड में लगाए जाते हैं। तो एक पेड़ के साइड में हम 3 से 4 बेलें जो हैं वो चढ़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी पेड़ है उसके साइड में, लंबा ऊंचा पेड़ हो उसके साइड में एक फिट का गहरा खड्डा खोदना है उसकी जड़ों के बिल्कुल पास, और उसके अंदर काली मिर्च का पौधा लगा देना है। इसे दिन में 2 बार पानी देना है। लगा कोई भी मौसम में दीजिए, लगभग इसका पौधा जो है लग जाता है। बस ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, एकदम सूखा ना पड़ता हो। अब जैसे बरसात का मौसम तो अभी भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या होगा, आपको इसे दिन में 2 बार पानी देना है पहले 1 सप्ताह तक। उसके बाद में आप क्या कीजिए, इसके आसपास कुछ कंकड़ पत्थर डाल दीजिए और दोपहर के टाइम में इन कंकड़ पत्थरों पर पानी देते रहिएगा। सुबह शाम पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि पौधा जो है वो एक बड़े पौधे के नीचे है तो एक डायरेक्ट जो धूप उसको असर करेगी उससे बचेगा, लू से बचेगा। और दूसरी चीज, आप जब इसके आसपास कंकड़ पत्थर डाल देंगे तो वहां पर वो कंकड़ पत्थर जब गर्म होंगे तो उससे थोड़ी ह्यूमिडिटी भी वहां पर पैदा होगी, और कंकड़ पत्थरों के ऊपर पानी है तो उस वक्त वहां पर ह्यूमिडिटी भी पैदा होगी, तो उससे ये प्लांट जो है ये ग्रोथ कर जाएगा। और अगर एक बार ये पौधा जो ग्रोथ कर गया तो उसके बाद में इसके ऊपर कुछ इस प्रकार के गुच्छे लगेंगे। इन गुच्छों के अंदर जब गुच्छे थोड़े लाल होने लगे, तभी 1-2-4 दाने भी लाल होने लगे गुच्छे के, तभी उस गुच्छे को तोड़ लीजिए और फिर उसे छांव में सुखा लीजिए। आपकी काली मिर्च जो है वो तैयार हो जाएगी। लगभग नवंबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक इसके गुच्छों को तोड़ा जाता है। हाँ, जो गुच्छा लाल हो गया उसे ही तोड़ लिया, नवंबर से दिसंबर के बीच में। आपकी डिपेंड कितने टाइम बाद ये फल देता है, तो डिपेंड करता है इसकी बेल कितनी जल्दी बढ़ती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बस ऐसा माहौल रखना है कि 60-70% नमी हो। बाकी सारी चीजें हमारे पूरे भारत में लगभग कंप्लीट ही हैं। और अगर आप में से कोई व्यूअर दक्षिण भारत का है तो उनके यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस काली मिर्च का पौधा लाइए और किसी पेड़ के नीचे लगा दीजिए। हाँ, ध्यान इस बात का रहे कि काली मिर्च के पौधे को अच्छे से ऊपर की ओर चढ़ाना है, और जब ये ज्यादा घनी होने लग जाए बेल तब इसके पत्तों को बीच बीच में से काटना है, इसकी छंटनी भी आपको करनी पड़ती है। खैर, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखेंगे। एक पौधा तो कम से कम जरूर लगा के देखिए, और अगर कोई सोचता है कि वो बीज से लगा लेगा तो मैं आपको बता दूं,
जो हम घर पे काली मिर्च यूज़ करते हैं ये इमेच्योर सीड होते हैं, तो इनसे पौधा नहीं लगेगा। वैसे आते हैं इसके सीड, लेकिन आप लोग बेल से ही लगाइए, बेल से लगाएंगे तो एकदम बेस्ट आपका पौधा तैयार हो जाएगा और उत्तर भारत के लोग भी इसे तैयार कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।